हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, एनसीओसी और बैनु सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। इस इजलास में 9वीं और 11वीं जमात की एग्ज़ाम कैंसलेशन और प्रमोशन के अलावा तालीमी इदारों को एक बार फिर से बंद करने के हवाले से अहम फ़ैसले लिए जा सकते हैं। यहां पर आपको आगाह करेंगे कि आज के इस हंगामी इजलास की सदारत फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीओसी का गुज़िश्ता इजलास शफकत महमूद की अदम मौजूदगी की वजह से बगैर किसी नतीज के इख्तिताम पज़ीर हो गया था। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक और तशवीशनाक होती जा रही है, जिसके पेश नज़र कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जबकि कराची में होने वाले इम्तहान भी कुछ अर्सा के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि कश्मीर में भी मज़ीद दो हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तो एनसीओसी के आज के इजलास में, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, हेल्थ मिनिस्टर और एनसीओसी की तजावीज़ के पेश नज़र मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का असर नो जायज़ा लेकर इम्तहानात की कैंसलेशन और तालीमी इदारों को एक बार फिर से बंद करने के हवाले से कई अहम फ़ैसले लिए जाएंगे।